सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के अगर बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों यार इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके बारे में। और यहां पर दोस्तों ये है रोड का वायरलेस गो और ये है दुनिया का सबसे छोटा वायरलेस माइक वाला सिस्टम। करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट और आखिर कैसी है ऑडियो क्वालिटी इसी नए माइक की, जिसकी वजह से शायद मैं आने वाले व्लॉग्स को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना पाऊं। दोस्तों ऐसे में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार ये है यहाँ पे हमारे पास में रोड वायरलेस गो माइक्रोफोन का मेन बॉक्स, जहाँ पे साइड में कुछ लिखी है मेन हाइलाइट्स। और यहाँ पे दोस्तों ये भी रोड के बाकी माइक्स की तरह चाइना से बाहर जाके बना है आराम से ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे दोस्तों जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो अंदर है यहाँ पे एक और बॉक्स और इसको ओपन करें तो यहाँ पे है हमारे पास में ये एक क्विक स्टार्ट गाइड, साथ में है कुछ और यूजर इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पे दोस्तों साथ में है सामने रखे हुए ये माइक के छोटे छोटे दोनों ही कॉम्पोनेंट्स, जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्रांसमीटर और रिसीवर की, जहां पे खैर हम बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बाद में। अगर हम बात करें एक्सेसरीज की तो यहां पे हैं दो USB-C केबल्स, दो विंडशील्ड्स हैं माइक को ऊपर से थोड़ा कवर करने के लिए हवा बचाते हुए, साथ में है ये एक SC2 केबल कैमरा कनेक्शन के लिए, इसके अलावा है ये एक पाउच इन सभी चीजों को पैक करके लेके जाने के लिए, और नीचे है ये पैकेट जिसमें खाने का सामान बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर दोस्तों हम जल्दी से बात करते हैं माइक सिस्टम की, तो यार ये मतलब साइज और वेट दोनों के मामले में काफी कम है। और यहां पे रोड कहता है कि ये है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वायरलेस माइक सिस्टम, जहां पे यार हमको ये क्लिप डिजाइन मिलता है इजी यूज करने के लिए। और अगर हम बात करें जल्दी से इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहां पे ये जो ट्रांसमीटर है इसमें नीचे की तरफ है ये एक ऑन ऑफ बटन, एक साइड में है USB-C पोर्ट, ऊपर की तरफ है दो स्टेटस LEDs पावर और पेयरिंग के लिए, और साथ में दोस्तों यहां पे ये है ऑनबोर्ड माइक्रोफोन, आप मतलब बड़े आराम से क्लिप करते हुए इसको यूज कर पाएंगे। और साथ में इनफैक्ट ये एक जैक भी है अगर आप कोई एक्सटर्नल लेवलियर माइक कनेक्ट करना चाहें। और बाकी दोस्तों यहां पे सामने है रोड की ब्रांडिंग और पीछे है ये क्लिप करने के लिए। यहां पर दोस्तों जो रिसीवर है वो भी यार दिखने में काफी सिमिलर है, जहां पे ऊपर की तरफ है ये पावर बटन, एक साइड में है USB पोर्ट और ऑडियो आउटपुट पोर्ट कैमरा से कनेक्ट करने के लिए, सामने की तरफ है रोड की ब्रांडिंग जिसके नीचे है ये डिस्प्ले, जहां पे आप कुछ डिटेल्स वगैरह चेक कर पाएंगे। और फाइनली नीचे की तरफ में है दो बटन्स गेन और पेयरिंग के लिए। अब यार यहां पे ना मतलब ये मेरे लिए काफी अभी आसान होगा यूज करना माइक उन सिचुएशंस में जहां पे ऐसे जो बड़े माइक्स हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। बहुत बार अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो भैया कैमरा से माइक और ट्राइपॉड को अलग करवा लिया जाता है, तो उस केस में इस छोटे से माइक को यूज करते हुए काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस मैं आपके लिए बना पाऊंगा। इसके अलावा इनफैक्ट अगर DSLR भी अलाउड नहीं है तो यार ये तो मतलब GoPro वगैरह के साथ में भी कनेक्ट हो जाएगा बड़े आराम से, तो वो भी एक काफी अच्छी बात है। और साथ में मतलब वायरलेस तो है ही, और ये जो क्लिप मैकेनिज्म है इसके चलते आप इसको बड़े आराम से मतलब टी शर्ट पे, जैकेट पे और कहीं, या फिर दोस्तों अगर आप यूज करते हैं एक्सटर्नल माइक तो जेब में रख लो, मतलब काफी अच्छा सा है। और इनफैक्ट ये काफी ऑप्टिमाइज्ड भी है रिलायबल कनेक्शन के लिए। और जो ओपन एयर में इसकी रेंज है वो है करीब 70 मीटर की और बैटरी लाइफ है 7 घंटे की। और अच्छी बात ये है कि भैया चार्जिंग के लिए दिया है USB-C पोर्ट। और यहां पर दोस्तों जो कीमत है फिलहाल वो है $199। मैंने इसको दुबई में ही लोकली परचेज किया है, मुझे पड़ा है करीब 750 दिरहम का, और बस यही है दोस्तों कहानी। हालांकि कीमत थोड़ी ज्यादा लगती है यार, लेकिन क्या करें, जो अच्छी क्वालिटी के ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव ही होते हैं। फिलहाल खैर आपको सुनाता हूं एक सैंपल थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए। दोस्तों यार ये जो भी आप ऑडियो सुन रहे हैं ना, यहां पे मैंने इस माइक को क्लिप किया हुआ है, तो मतलब बड़े आराम से वायरलेस तरीके से काम कर पा रहा है। ऑडियो की क्वालिटी आपके सामने है, काफी कन्वीनियंट हो जाता है, जहां पे आपको वो तार वार का झंझट नहीं है। ऑल्दो अगर आप चाहें तो एक लैव माइक लगा के भी यूज कर सकते हैं अगर आपका उस तरह का पैटर्न होता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से यार ये क्लिप ना मतलब काफी अच्छी होती है जहां पे शोर ना आ जाए। लेकिन मतलब इतना सा माइक या दोस्तों उसको पकड़ो आराम से, मतलब ऐसे बोलो, या छोटा सा इसके ऊपर जो विंडस्क्रीन है वो लगाने के बाद में आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हो। तो मतलब ये है फिलहाल कुछ क्वालिटी। मैं एक बार जल्दी से स्विच करता हूँ अपने ओरिजिनल माइक पे, जो कि है ये दोस्तों बड़े वाला वीडियो माइक प्रो प्लस, तब आप थोड़ा सा शायद डिफरेंस देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो खत्म करते समय ये आ गया वापस से मेरा वही ओरिजिनल माइक्रोफोन, जिसको मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूँ अपनी लगभग सभी वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए। तो भैया अभी आप बताओ कि आपको कैसी लगी क्वालिटी इसकी,
की और कैसी आपको लगी क्वालिटी इस छोटे से माइक्रोफोन की, जहाँ पे मेरे ख्याल से कन्वीनियंस जो है वो अपने आप में काफी कमाल ऐड ऑन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।